हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को मानव में निषेचन को समझाएंगे, अर्थात ह्यूमन फर्टिलाइजेशंस को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लैंगिक जनन में अगुणित नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनता है। मतलब जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो दोनों के मिलने से जो संरचना बनती है उसे युग्मनज अथवा जायगोट कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, एक प्रश्न होगा कि युग्मक क्या हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है और मादा युग्मक अंडाणु को कहा जाता है। तो पुरुष के शुक्राणुओं को नर युग्मक और स्त्री के अंडाणुओं को मादा युग्मक कहा जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की क्रिया ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी अंडाणु और शुक्राणु जब फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं आपस में, उसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इससे बना युग्मनज द्विगुणित होता है। यानी जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जो संरचना बनती है वो द्विगुणित होती है। द्विगुणित युग्मनज उसे कहा जाता है या जायगोट कहा जाता है। बता दें कि मेरे चैनल में निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर पौधों में निषेचन कैसे होता है ये बताया था, यहां पर मनुष्य में निषेचन कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको निषेचन क्या होता है अब समझ में आ गया होगा। यानी जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से संलयित होता है या स्त्री के अंडाणु से संलयित होता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। और मनुष्य में निषेचन की क्रिया स्त्री के डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका के ऊपरी भाग में होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्त्री की ये वाली डिंब वाहिनी है या इसे ही फैलोपियन नलिका कहा जाता है। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया इसी स्त्री के डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका के ऊपरी भाग में होती है। यहाँ पर बता दें कि संभोग के अंतिम चरण में नर या पुरुष 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य को स्त्री की योनि में स्खलित करता है। यानी संभोग का जब अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण होता है, तो 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य को स्त्री के योनि में पुरुष जो होता है वो स्खलित करता है। मतलब संभोग के टाइम लगभग 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य स्त्री के योनि में छोड़ता है। इतने वीर्य में लगभग में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, एक एक पॉइंट समझते रहिए। कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह से प्रश्न। तो जो ये 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य होता है, इसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, लेकिन इसमें से केवल 1% शुक्राणु ही स्त्री के गर्भाशय में से होकर डिंब वाहिनी में चढ़ पाते हैं। आपको बता दें कि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक लगभग 12 से 24 घंटे तक और स्खलन के बाद शुक्राणु लगभग 48 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। यानी जो अंडा निकलता है वो लगभग 12 से 24 घंटे तक स्त्रियों में और स्खलन के बाद जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, ये 48 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं निकलने के बाद। यहीं पर बताते चलें कि शुक्राणु अपनी मूल अवस्था में अंडक का निषेचन नहीं कर सकता है। यानी अगर मूल अवस्था में जैसे वो निकला हुआ है उस अवस्था में अंडक से निषेचन नहीं कर पाता है, इसीलिए इस पे कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जो परिवर्तन होते हैं इन्हीं परिवर्तनों को संधारित्रा या कैपेसिटेशन कहा जाता है। तो इनमें से सीमेन में तनुकरण होता है। यानी पहले सीमेन जो होता है वो तनुकरण होता है, डायल्यूशन होता है, डायल्यूट होता है। शुक्राणुओं के शीर्ष भाग से ग्लाइकोप्रोटीन्स हटते हैं। जो शुक्राणु के शीर्ष भाग में ग्लाइकोप्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं वो हटते हैं और शुक्राणुओं के एक्रोसोम की बाहरी आवरण के कैल्शियम आयनों की पारगम्यता में वृद्धि होती है। जो बाहरी आवरण होता है क्रोसोम में, उसमें कैल्शियम आयनों की पारगम्यता में वृद्धि होती है। तो इतना सब होने के बाद अब युग्मकों का संलयन होता है। तो संलयन की क्रिया में क्या होता है कि शुक्राणु जब अंडे के संपर्क में आता है तो ये एक्रोसोम द्वारा एंजाइम स्रावित करता है। यानी जैसे ही अंडे के पास पहुंचा तो एक्रोसोम के द्वारा, जो इसमें एक्रोसोम होता है आगे की ओर, उससे एंजाइम स्रावित करता है, विशेष प्रकार के एंजाइम्स निकालता है। इन एंजाइम्स का नाम क्या होता है आपको बता दें, हाइलोरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज, ये दो एंजाइम्स का स्राव करता है ये। यानी
हाइलुरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज नामक एंजाइम्स शुक्राणु अपने एक्रोसोम द्वारा स्रावित करता है ताकि अंडे की दीवार को या पेलुसुडा को भेद सके, यानी अंडे की दीवार को भेदने के लिए ये एंजाइम ये स्रावित करता है, निकालता है। अब शुक्राणु अंडे से संलयित हो जाता है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाता है तो होता क्या है कि पेलुसुडा जो होता है, पेलुसुडा के स्तर में कुछ बदलाव आ जाते हैं और दूसरे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से केवल एक शुक्राणु ही अंडक में प्रवेश करता है, यानी एक अंडक से एक शुक्राणु ही संलयित होता है। तो प्रथम शुक्राणु के अंडक में प्रवेश करते ही, यानी जैसे ही प्रथम शुक्राणु ने अंडक में प्रवेश किया, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे अंडक में अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे ही प्रथम प्रवेश करता है तो उसमें विशेष प्रकार के कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो दूसरे शुक्राणु होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा शुक्राणु इसलिए प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि जो अंडा होता है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं और इन एंजाइम के कारण जो जोना प्लेसुडा होती है ये दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है। कठोर हो जाने के कारण जो दूसरे शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी कार्टिकल प्रक्रिया के कारण ही एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉर्टिकल प्रक्रिया होती है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जिसमें अंडा एक एंजाइम स्रावित करता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे उपस्थित जो कार्टिकल कण होते हैं इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से समेकित हो जाती है, जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद उसमें से एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जो जो पेलिसुडा होती है उसको दृढ़ बनाता है, कठोर बनाता है, जिसके कारण शुक्राणु अन्य जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हो सकता है बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न हो कि जब शुक्राणु स्त्री के फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, यानी अंडवाहिनी में पहुंचते हैं या डिम्बवाहिनी में पहुंचते हैं, तो वे अंडे के पास ही क्यों जाते हैं, कहीं अलग क्यों नहीं चले जाते, यानी वे फैलोपियन नलिका से अलग क्यों नहीं कहीं चले जाते हैं, अंडे के पास ही क्यों जाते हैं। तो कि शुक्राणु अंडे के पास ही क्यों जाता है, मतलब उसी के पास कैसे पहुंचता है, अलग से क्यों नहीं निकल जाता है। तो बता दें कि शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसके कारण परस्पर प्रतिक्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं और उसी के पास पहुँचते हैं। तो जब संलयित हो जाता है, संलयित होकर अंडाणु और शुक्राणु में केंद्रक कला विघटित हो जाती है और दोनों के अगुणित गुणसूत्र मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। संलयित होने के बाद जो दोनों के अगुणित गुणसूत्र होते हैं वो मिल जाते हैं और द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेते हैं जिसे युग्मनज या जायगोट कहा जाता है, यानी इस प्रकार से युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जायगोट बन जाता है। आपको यहीं पर निषेचन का महत्व बताते चलें, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में समझाते चलें। तो पहला है, निषेचन के स्वरूप युग्मनज या जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, यानी जब निषेचन होता है तो युग्मनज या जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, चाहे युग्मनज कहिए चाहे जायगोट कहिए। इसमें होता क्या है कि जो अगुणित गुणसूत्र थे वह द्विगुणित कोशिका बना लेते हैं जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। फिर अगला है, अंडे की परिधि में पुनः परिवर्तन होता है जिससे अन्य शुक्राणु निषेचित अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। एक ये भी महत्व है कि अंडे की जो परिधि होती है, जो किनारा होता है, उसमें पुनः से परिवर्तन हो जाते हैं जैसे ही एक शुक्राणु प्रवेश करता है, मैंने भी पहले आपको बताया भी था। तो होता क्या है कि अन्य जो शुक्राणु होते हैं वो निषेचित अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। फिर अगले महत्व को अगर देखा जाए तो निषेचन के फलस्वरूप उपापचय क्रियाओं की गति में वृद्धि होती है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें फास्ट आ जाती है, यानी गति में वृद्धि हो जाती है। और अगला है, ध्रुव कार्यों के बनने से अंडाणु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य की कमी होती है वह शुक्राणु के कोशिका द्रव्य के द्वारा पूर्ण हो जाती है, यानी इन कार्यों के बनने से जो अंडाणु कोशिका में कोशिका द्रव्य की कमी होती है वह शुक्राणु के कोशिका द्रव्य के द्वारा पूरी कर ली जाती है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, निषेचन के महत्व हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य मैंने आपको बताए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को मनुष्य में निषेचन कैसे होता है पूरी प्रक्रिया बताई और साथ ही साथ निषेचन के क्या क्या महत्व होते हैं। आशा है आप लोगों को निषेचन मनुष्य में कैसे होता है और निषेचन के क्या क्या महत्व होते हैं
अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं आप लोगों को भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।